फॉर द स्टूडेंट, लास्ट वीक में अपने पढ़ा था, स्टार्ट किए थे केमिकल काइनेटिक्स. क्या है केमिकल काइनेटिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ, या ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग दिस रेट्स एंड मैकेनिज्म. तो कोई भी केमिकल रिएक्शन का, रिएक्शन का रेट क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स है जिसका इफेक्ट रिएक्शन के रेट पे होगा, ये सब आपको ये चैप्टर में स्टडी करना है. उसमें से जो स्टार्ट किए थे रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग टू वेज. उसमें से जो एक था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. एवरेज रेट सिंपल है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, क्या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल ओवर विच दिस चेंज टेक्स प्लेस. डेल सी अपॉन डेल टी सीधा सीधा है, पहले कितना है रिएक्टेंट को कॉन्सेंट्रेशन और लास्ट में कितना बचा है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा C2 - C1, दैट इज अ चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन. यानी प्रोडक्ट का होगा तो कितना बड़ा है, या रिएक्टेंट का होगा तो कितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कम हुआ, एंड डिवाइडेड बाय उसके लिए टोटल टाइम कितना लग रहा, मतलब T2 - T1, दैट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ये लास्ट वीक में हो गया था. उसके बाद जो सेकंड है इंस्टेंटेनियस, उसकी डेफिनेशन वैसे हो गई थी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस रेट व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड या मेजर्ड फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी छोटे टाइम के लिए. जैसे जो बताया था एग्जांपल, अगर कोई लंबी प्रोसेस होती है तो पूरे प्रोसेस कंप्लीट या वेट करने की जरूरत नहीं, शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए देख लो. या रिएक्शन, अगर रिएक्शन पूरा एक 1 आवर में होता है तो आप पहले 5 मिनट में कितना अमाउंट चेंज होता है, कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, उसके लिए कितना टाइम लगा है डिवाइड करो, और इतने के लिए इतना लगता है तो बाकी सब चेंज के लिए कितना लगता है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो. तो व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम और इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज अ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. अब इंस्टेंटेनियस रेट अगर डिटरमाइन, हाउ इट इज ऑब्टेन्ड, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग अ टेंजेंट, पहले कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट द टाइम. व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड, अगर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का है तो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा, और वही प्रोडक्ट का निकाला तो ऐसे मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस एंड दैट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस. देन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग अ टेंजेंट टू दिस कर्व. ये कर्व को एक टेंजेंट ड्रा करो, ये जो कर्व निकला है दैट ऑब्टेन्ड बाय कर्व ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग अ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, एंड ये जो टेंजेंट का स्लोप है, सपोज ये ओ है, ये ए है और ये बी है, मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ और इसका स्लोप कैसे निकलोगे, वाई एक्स अपॉन एक्स, तो ओ ए, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ ए अपॉन ओ बी. ओ ए क्या है, किस कौन सी कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस है, ओ बी टाइम है, तो इसका भी मतलब वही है कि जो लाइन का स्लोप इज डायरेक्टली गिव द स्लोप ऑफ टेंजेंट that obtained by drawing a slope that obtained by drawing a tangent to the curve that obtained by plotting concentration versus time, and slope of tangent directly gives the instantaneous rate of reaction. मतलब OA upon OB, इसके जगह पे आप डायरेक्ट ही लिख सकते change in the concept, यहाँ पे change ये करना है. Average rate में आप लिखते थे d concentration of A by del t. अब डेल के जगह आपको डी यूज करना है स्मॉल चेंज के लिए, तो यहां पे आप लिखोगे डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी चेंज. सपोज ए रिएक्शन, ये ए गिव्स प्रोडक्ट, ए रिएक्टेंट है और कॉन्सेंट्रेशन ए का सेम है, बस चेंज इतना करना है डेल के जगह पे आप यूज करोगे डी. तो कोई भी अगर रिएक्शन रहा ए गिव्स बी, अगर ए रिएक्टेंट है बी प्रोडक्ट है या
उसका दूसरा एग्जाम्पल ए फर्स्ट गिव्स बी देखेंगे तो क्या है रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज रेट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी वहां पे बस इतना लिखते थे डेल और फिर से इफ इट इज अ रिएक्टेंट देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस देयरफॉर नेगेटिव साइन और प्रोडक्ट के लिए लिखना है बी इन टर्म्स ऑफ बी यहां पे भी सेम डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी बट यहाँ पे साइन कौन सा होगा प्लस नहीं लिखा तो भी चलेगा तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिख लिया तो ऑलवेज नेगेटिव तो सेम डेल के जगह पे आप यहाँ पे यूज करोगे डी तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इन द रेट ऑफ रिएक्शन दैट मेजर फॉर अ इंस्टेंट ऑफ टाइम एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम या फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज अ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और ये कैसे निकालते हैं कैसे मेजर करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट बाय प्लॉटिंग Here, slope of tangent that directly gives the instantaneous rate of reaction that obtained by drawing a tangent to the curve that obtained by plotting concentration against the time. ठीक है? अब कोई भी reaction का अगर आपको rate निकालना है, अब इसमें जो numericals के तो बहुत ही easy numericals आते हैं, उसकी थोड़ा सा ये point याद रखो, जैसे A plus B gives C plus D. Reactants negative same instantaneous rate अगर लिखना है rate is equal to मतलब instantaneous rate is equal to D concentration of A by DT. A reactant A minus is equal to D concentration of B by DT. फिर से रिएक्टेंट ए बी तो साइन निगेटिव इज इक्वल टू सी प्रोडक्ट है लेकिन प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी और ये भी प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बाय डी टी ओके क्लियर सेम है प्रोडक्ट्स पॉजिटिव अगर रिएक्टेंस लिया तो लिखते टाइम क्या होगा निगेटिव देयर इज अ रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है All the reactants and products contain, अगर ये coefficient one है, one mole रहा तो कोई problem नहीं, लेकिन यहाँ पे problem आता है, when the coefficient of reactants and products are other than one, for example, A plus 2B gives 3C, your A plus 3B gives 2C, ए बी का कन्वर्शन ए प्लस थ्री बी गिव्स ट्वाइस सी मतलब क्या है यहां पे टू मोल्स ऑफ थ्री मोल्स ऑफ बी टू मोल्स ऑफ सी है अब इसके लिए रेट एक्सप्रेशन ऑफ कैसे लिखोगे तो जैसे ये था रेट ऑफ इसके लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोल सकते रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए बी भी सेम रेट ऑफ कंजम्पशन आर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी और सी के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी सी का फॉर्मेशन है रेट का अब यहां पे देखो अगर ए का रेट मतलब डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी और नेगेटिव इज इक्वल टू उसकी वैल्यूज फॉर एग्जांपल गिवन है इसका जो रेट है 0.0 या 0.2 है मोलारिटी पर सेकंड मतलब पर सेकंड में इतने मोल्स रिएक्ट हो रहा मतलब डिसअपीयर हुआ कौन सा ए का दिया है अगर ए का दिया है और आपको बी और सी का निकालना है बहुत ही डायरेक्ट है कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं डायरेक्ट आप रिएक्शन देख के बी और सी का रेट बता सकते सीधा सीधा है ए का दिया है रिएक्शन से ही डायरेक्ट और यहाँ पे कोएफिशिएंट थ्री दिख रहा मतलब जितने टाइम में एक मोल मतलब एक मॉलिक्यूल ए का रिएक्ट होता है उतने टाइम में बी के कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहे थ्री मतलब सीधा सीधा है इसका रेट इससे थ्री टाइम्स ज्यादा रहेगा अब इसका रेट अब जो रेट ए का रहेगा यहाँ पे कोएफिशिएंट टू है तो सीधा सीधा सी का रेट क्या रहेगा डबल
तो क्या करोगे, ए का 0.02 है तो बी का क्या रहेगा, मतलब बी विल डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय डी टी इज इक्वल टू, सीधा क्या करोगे, थ्री है, थ्री इंटू 0.2 मतलब 0.6 मोलैरिटी पर सेकंड, नहीं हाँ 3 into 2 6 हो गया क्लियर। तो ये हो गया रेट मोलैरिटी पर सेकंड बी का। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ये दोनों डिसअपीयरेंस था या कंजम्पशन था, लेकिन इसका क्या रहेगा, फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाय डी टी, यहाँ पे निगेटिव नहीं पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, ये 2 है यानी ए और दोनों में कंपैरिजन करो, इसके ये 2 टाइम्स ज्यादा है डबल है, तो सीधा सीधा 0.2 है, इसका डबल कितना होगा 0.4 मोलैरिटी पर सेकंड होगा, यानी एक का दिया है तो आप डायरेक्ट दूसरे का कैलकुलेट कर सकते, सीधा सीधा कैलकुलेशन है, लेकिन कोई एंट्रेंस एग्जाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सीधा सीधा आप ये लिख सकते आंसर, लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम होते उसमें आपको फार्मूले के साथ लिखना पड़ता, इसलिए डायरेक्ट बहुत ही इजी फार्मूला याद रखो, इसके लिए इस टाइप के अगर प्रॉब्लम आते बहुत ही इजी होते, कोई ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं, सीधा सीधा सबसे पहले क्या लिखोगे आप, रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी पूछा है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, व्हाट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, इस टाइप से क्वेश्चन हो सकते, और चार जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड व्हाट इज द कंजम्पशन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, और दूसरी बात रेट का जो बताया था यूनिट, तो यूनिट क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम्स, मतलब मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन और टाइम, मोलैरिटी पर सेकंड, मोलैरिटी पर मिनट, जो भी टाइम रहेगा वो। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, सीधा सीधा सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम दिखा, रिएक्शन दिया रहेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो, देन क्या लिखना है, माइनस, रिएक्टेंट है तो माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी, बहुत ही सिंपल मेथड बता रहा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हो गया, इज इक्वल टू, ये भी रिएक्टेंट है, फिर से साइन माइनस। अब क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट 1 था, कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसे कि वैसे लिखा, बट बी का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो सीधा सीधा आप लिखो 1/3, जो भी कोएफिशिएंट होगा, 2 होगा तो 1/2, फिर से वही बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय डी टी, मतलब आपका फॉर्मूला डायरेक्ट मिल गया, और कौन सा बचा है, सी इज इक्वल टू अगेन, बट दिस इज द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के लिए साइन प्लस, एंड डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाय डी टी, नहीं यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कोएफिशिएंट 2 है प्लस, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1/2, हो गया, इज अ फॉर्मूला फॉर दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम के लिए कंप्लीट फॉर्मूला है, बहुत ही इसके बाद का पार्ट इज है, अगर जैसे आपको एग्जांपल है ए की वैल्यू 2 है तो आप सीधा बोलेंगे बी की रहेगी 3 into 2 6, इसकी 2 into 2 4, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करोगे, एक एक अगर आपको पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ, एक 3 में से एक का दिया रहेगा, रिएक्शन का रेट जिसका कोएफिशिएंट 1 है उसका जो रेट रहेगा दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इसका कोएफिशिएंट 1 है यानी जो रेट ए का रहेगा वही रिएक्शन का रेट, या इसके साथ जो वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर उतना आएगा, ये 3 टाइम्स है तो 3 से डिवाइड करोगे तो रिएक्शन का रेट, या इसमें से कोई भी इक्वेशन यूज करके आप रिएक्शन का रेट निकाल सकते डायरेक्टली, तो एक का दिया रहेगा तो दूसरे का आप कैलकुलेट कर सकते, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, जो भी रहेंगे आप दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, अमोनिया है N2+3H2 gives twice NH3, अब इसका अलग अलग लिखना है, पहले सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का, और ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तीनों की वैल्यू तो सबके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सबके लिए आंसर सेम आएगा, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, फिर से N2 1 मोल है और निगेटिव डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2/dt इज इक्वल टू H2, ये भी प्रोडक्ट रिएक्टेड है माइनस, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 है तो आप लिखो यहाँ पे 1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाय
dt is equal to, ये product है plus I और यहाँ पे 2 है तो 1 by 2 d concentration of NH3 by dt हो गया था। अब second आता है आपको, अगर rate of formation of N2 की फिर से value है 1.5 molarity per second N2 की, मतलब कौन सी वैल्यू गिवन है आपको, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन टू बाय डी टी माइनस इज इक्वल टू कितनी वैल्यू, 1.5 मोलारिटी पर सेकंड। और आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एच टू, डायरेक्ट आंसर 3 टाइम ज्यादा इससे, मतलब 3 × 1.5 4.5 आंसर हो जाएगा, इसका डबल मतलब 2 × 1.5 मतलब 3। तो इस टाइप से डायरेक्ट लेकिन कैलकुलेट कैसे करो, अब ये दिया है ये वैल्यू गिवन है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 इज 1.5 मोलारिटी पर सेकंड, व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 और व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, डायरेक्ट आपका आंसर मिल गया लेकिन कैलकुलेट कैसे कर सकते, देखो एक एक लेंगे। पहले कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ disappearance of H2 that equal to मतलब minus d concentration of H2 by dt, ये वैल्यू निकालना है। तो अब किसका निकालना है, H2 का, और गिवन किसका है, N2 का, कुछ भी नहीं, ये देखो ये N2 का है और ये H2 का है, ये दो रिएक्शन को एक दूसरे के साथ कंपेयर करो, दोनों जैसे के वैसे, किसका निकालना है, इसका निकालना है, नहीं इसका तो दिया है, निकालना किसका है, H2 का निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 मतलब ये वैल्यू निकालना है। तो अब ये पूरा इक्वेशन लिख दो पहले, माइनस 1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू बाय डी टी इज इक्वल टू ये और ये, इसका दिया है और इसके साथ, या इसका दिया है इसका निकालना है तो इसको, या इस, किसी के साथ भी, जिसका पता है उसके साथ कोई भी टर्म को आप कंपेयर कर सकते हैं। 1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू बाय डी टी ये निकालना है, उसके बाद माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन टू by dt, H2 का कितना है 1/3 is equal to, इसकी वैल्यू गिवन है माइनस d मतलब पूरे माइनस साइन के साथ है, इसकी वैल्यू कितनी है 1.5, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू, अब आपको 1/3 ये निकलना है, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू बाई डी टी ये वैल्यू निकलना है, डी कॉन्सेंट्रेशन ये 3 डिनोमिनेटर में, तो अगर उधर जाएगा तो क्या होगा, न्यूमरेटर में मतलब इज इक्वल टू 1.5 × 3 मतलब 4.5 मोलारिटी पर सेकंड हो गया, ये 1/3 है उधर जाएगा तो 3 × 1.5 तो इसकी वैल्यू पुट करो इसकी जगह पर, सीधा सीधा कैलकुलेशन, तो आंसर कौन सा मिला आपको, ये उधर जाने के बाद डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू बाय डी टी माइनस इज इक्वल टू, ये 3 उधर गया 1.5 × 3 4.5 मोलारिटी पर सेकंड। सिमिलरली का आल्सो डिटरमाइन द डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 बाय dt, तो उसके लिए क्या कंपेयर करना है, इसको और इसको दोनों को कंपेयर करो N2 और NH3 का, फिर से इसके वैल्यू कितनी है 1.5, ये निकालना है, ये 1/2 है तो 2 इधर आएगा तो 1.5 डिवाइड है तो उसको आके 2 1.5 × 2 That equal to 3 molarity per second। इस टाइप से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते, बहुत ही इजी, सबसे पहले आप ये लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के बाद जिसका निकलना है मतलब 3 में से या 4 भी हो सकते उसमें से एक का दिया रहेगा, और उसके बाद किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते, जो प्रॉब्लम की प्रैक्टिस लेगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है।